रेसिपी में मैंने वेजीज को बड़ा बड़ा करके ही इस्तेमाल किया है, बड़ा बड़ा काट के। आप चाहो तो बारीक काट के भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इसी तरह से मैं घर पर बनाती हूँ। वेजीज का जो कटिंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा ही रहता है दोस्तों, मैं इसे बारीक चॉप नहीं करती हूँ। इस तरह से मोटा और बड़ा काटने से ये एकदम खिले खिले रहते हैं दोस्तों, और देखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं। आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है दोस्तों, कितना टेम्पटिंग लग रहा है, एकदम माउथ वाटरिंग है दोस्तों। इस तरह से आप बनाओगे तो बाहर के जो फ्राई राइस है वो खाना भूल जाओगे। सुपर हेल्दी, सुपर हाइजीनिक दोस्तों। हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोग के साथ मेरे घर की लेफ्ट ओवर राइस की 2 मिनट में बनने वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि अगर आपके घर में बच्चे से बड़े अगर हरी हरी सब्जियाँ नहीं खाते हैं तो ये 2 मिनट वाली रेसिपी है। इस तरह से अगर आप ये रेसिपी बनाओगे तो आपके पूरे परिवार को वेजीज का सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। और बहुत ही देसी तरीके से मैं ये रेसिपी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे घर में इसी तरह से बनता है और खाने में बहुत ही लजीज है दोस्तों, और बनाने में भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक ही बर्तन में सारा काम हो जाएगा, बर्तन भी ज़्यादा मांजने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो बहुत ही इंस्टेंटली रेसिपी है, हेल्दी है, बहुत ही पसंद आएगा आपको दोस्तों। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कैसे बनती है ये रेसिपी। रेसिपी अगर आपको अच्छी लग जाए तो इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही अच्छी अच्छी और प्यारी रेसिपी के लिए साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए दोस्तों। इस रेसिपी को मैं गाय के घी में ही बना रही हूँ दोस्तों। गाय के घी में ये रेसिपी बहुत ही अच्छा बनता है, और अभी बारिश का सीजन है तो थोड़ा सा हेल्दी भी हो जाएगा दोस्तों। गाय का घी तो औषधीय गुणों से भरपूर होता है। सबसे पहले यहाँ पे 6 से 7 चम्मच का घी हमने ले लिया है दोस्तों। यहाँ पे मैंने वेजीज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है दोस्तों। अगर आपको जो भी वेजीज पसंद है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा इस रेसिपी में। और यहाँ पे वेजीज की क्वांटिटी कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हो। मुझे ये रेसिपी इस तरह से रंग बिरंगी सब्जियों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, मेरे घर में भी इसको खूब पसंद किया जाता है दोस्तों। ये हमारा गर्म हो गया है तो सबसे पहले इसमें हम, आप देख सकते हो आलू है, तो 3 मीडियम साइज के आलू का छिलका निकाल के अच्छे से धो लिया है। इसको मोटा ही मैंने कट किया है दोस्तों, तो इसको हमने घी में ऐड कर दिया है। इसे 1.5 मिनट आलू को फ्राई करने के बाद यहाँ पे इसी स्टेज पे दोस्तों, यहाँ पे फूल गोभी है, गाजर है, यहाँ पे बोधी है, तो बोधी को भी इस स्टेज पे ऐड कर देंगे। अब इन सारी सब्जियों को 1 से 1.5 मिनट के लिए थोड़ा सा भून लेते हैं दोस्तों, लेकिन इसका जो क्रंच है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं करना है इस रेसिपी में। इसका क्रंच फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा दोस्तों। 1 से 2 मिनट सारे वेजीज को हमने भून लिया है, और इसका कलर वगैरह बहुत बढ़िया है। बस इतना तक ही हमें सारे वेजीज को भूनना है। इसको अलग से बर्तन में हम सारे वेजीज को निकाल लेते हैं दोस्तों। इसमें काफ़ी सारा घी बच गया है, हमने शुरू में ही घी ज़्यादा ले लिया था दोस्तों। और घी या ऑयल ऐड करना होगा या कम हो जाएगा तो आप थोड़ा सा ऊपर से भी ऐड कर लीजिएगा, लेकिन ये इनफ है। 1 चम्मच भर के जीरा डालेंगे, साबुत जीरा, साथ ही यहाँ पे 1 चम्मच ब्लैक सरसों डालेंगे। अदरक है तो 2 इंच अदरक के टुकड़े को हमने बारीक काट कर लिया है। 5 हरी मिर्ची को इस तरह से मैंने चीरा लगा लिया है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे कड़ी पत्ते ऐड कर देंगे। कड़ी पत्ता देने के बाद यहाँ पे कैबेज है दोस्तों, तो कैबेज को अब हम इसमें फ्राई करेंगे, क्योंकि कैबेज जो है अर्ली सॉफ्ट हो जाते हैं, सारे वेजेस के साथ जल जाते हैं दोस्तों, इसीलिए अभी आप डाल दीजिएगा। कैबेज देने के बाद यहाँ पे मटर है दोस्तों, फ्रोजन मटर, तो इसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको भी 1 से 2 बार ही बस लारना है दोस्तों, इसको भी पूरी तरह से जलाना नहीं है। कैबेज भी अर्ली सॉफ्ट हो जाते हैं और इसका भी क्रंच इस रेसिपी में अच्छा आएगा। इसी स्टेज पे दोस्तों आप देख सकते हो टर्मरिक पाउडर है, रेड चिली पाउडर है, तो रेड चिली पाउडर 1 चम्मच भरकर हम ऐड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 1 चम्मच भरकर हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही यहाँ पे 1 सीक्रेट मसाला ऐड करेंगे, जिससे इस रेसिपी का टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आएगा दोस्तों। 1/2 स्पून इसमें मैं पाव भाजी मसाला मिला रही हूँ दोस्तों। पाव भाजी मसाला मिलाकर आपने वेज फ्राई राइस कभी भी ट्राई नहीं किया होगा दोस्तों, इससे टेस्ट फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार आप पाव भाजी मसाला मिला के इस रेसिपी को ज़रूर इस ट्रिक से ट्राई कीजिएगा दोस्तों। के साथ अच्छे से 1-2 बार मिलाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों लेफ्ट ओवर राइस है, तो यहाँ पे इस कटोरी से भरकर मैंने
दो कटोरी, बड़ी कटोरी है, दो कटोरी मैंने राइस ले लिया है दोस्तों। तो राइस आज ख़त्म नहीं हो रही थी, ज़्यादा ही बन गया था दोस्तों। बच्चों को आज कुछ अलग हटकर खाना था, तो मेरे दिमाग में, क्योंकि सब्जियां घर में बहुत ज़्यादा थी, मैंने यही रेसिपी चट से बना दी दोस्तों, आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी। अब हम चावल को बढ़िया से, और चावल जो है हमारे काफ़ी खिले खिले हैं दोस्तों, तो चावल के साथ इनको मिला लेते हैं दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग लगता है दोस्तों ये खाने में, बच्चे तो इसके मेरे घर में फ़ैन है दोस्तों। अगर इस तरह से मिल जाए तो वो खा लेते हैं, सब्जी भी खा लेते हैं इस ट्रिक से, नकर नुकर बिल्कुल नहीं करते हैं। अच्छा लगता है बच्चों को इस तरह से खिला खिला वेज फ्राई राइस दोस्तों, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, बच्चे अपना फूड फिनिश कर लेते हैं। तो दोस्तों एक दो बार मिलाने के बाद हमने जो वेजेस फ्राई करके रखा हुआ था, यहाँ पे देख सकते हैं हेल्दी फ्राई किए हुए वेजीज रंग बिरंगे हमने इसमें ऐड कर दिया है। नमक हमने ऐड नहीं किया था, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा। नमक के साथ सारे रेसिपी को हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं, उलट पुलट कर लेते हैं। बहुत ही इजी है, इंस्टेंटली ये बन जाती है दोस्तों, आपने देखा ना वीडियो में, कोई भी ज़्यादा लफड़ा और मेहनत की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों आज से अगर आपके घर में चावल अधिक बन जाते हैं, बच जाते हैं, तो उनको फेंकिएगा नहीं, इस ट्रिक से आप बचे हुए चावल की रेसिपी बना सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अर्ली बनके रेडी हो जाती है। कुछ बेसिक से मसाले और वेजीज को फ्राई कर लीजिए, सुबह का हेल्दी नाश्ता बना लीजिए, घर पर भी खाइए और अपने लंच बॉक्स में भी ले जाइए, बच्चों से बड़ों को लंच बॉक्स में दीजिए, बहुत ही हेल्दी है दोस्तों। तो बस इसको ज़्यादा मिलाना नहीं है, ये बढ़िया से मिल गया है, आप देख सकते हो इसका कलर टेक्सचर वगैरह कितना बढ़िया लग रहा है, इसका टेस्ट और इनहेल्स कर देगा। तो यहाँ पे एक लेमन के रस को मैंने ऐड कर दिया है, स्टेज पे हम फ्रेश फ्रेश कोरिएंडर लीव ऐड कर देंगे, तो गर्मा गर्म ये आपका सर्व करने के लिए रेडी है दोस्तों। गर्मा गर्म ये सर्व करने के लिए रेडी है, कितना रंग बिरंगा लग रहा है दोस्तों का ये हेल्दी लेफ्ट ओवर राइस से, आपका ये वेज फ्राई राइस इंस्टेंटली 2 मिनट में बनके रेडी हो गया है दोस्तों। ये देखिए मैं वीडियो में भी इसका टेक्सचर कलर दिखा दे रही हूँ, हर एक चीज़ परफेक्ट है, खिला है और खाने में बहुत ही हेल्दी है दोस्तों। बच्चों को इस ट्रिक से दीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा और वो अपनी पूरी रेसिपी चट कर जाएंगे, उनके पीछे दौड़ना नहीं पड़ेगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। मेरे घर में तो बहुत ही चाव से और दिल खोल के इसे इंजॉय करते हैं, बारिश में इस तरह से बनाइए, फेवरेट सीरियल देखिए और इसे इंजॉय कीजिए गर्मा गर्म, बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। आप कभी घर में चावल बच जाए तो 2 मिनट वाली ये मेरे तरीके से मेरे घर की वेज फ्राई राइस जरूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। जब तक ऐसे ही लेफ्ट ओवर राइस की रेसिपी से मिलती हूँ, तब तक आप फुल फैमिली फुल दोस्तों के साथ इसे घर पर खाइए, या लंच बॉक्स में ले जाइए, या फिर सफर में ले जाइए, कहीं भी खाइए, खाते खाते अपने इस प्यारे से दोस्त को जरूर याद कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।